लाख 43,000 लूट कांड का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 3 लुटेरों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी देते हुए एसपी जगन्नाथ रेड्डी ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को बताया कि लूट के बाद सदर एसडीपीओ राम पुकार सिंह के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम गठित की गई थी, जिसमें पुलिस निरीक्षक सुदर्शन राम, सिद्धेश्वर पासवान, पुलिस अवर निरीक्षक सुभाष कुमार सिंह एवं अन्य पदाधिकारियों को शामिल किया गया था। आगे उन्होंने बताया कि लगातार लूटकांड के अनुसंधान के दौरान सोमवार को सदर थाना क्षेत्र के बीठलपुर गांव से 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लुटेरों के पास से 40,700 रुपये नगद, 11,500 रुपये का मोबाइल रसीद, 2 पीस एंड्रॉइड मोबाइल, 2 बाइक और 2 देसी कट्ठे सहित 6 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। सनमार्ग के लिए जमुई से अर्जुन अर्नब की रिपोर्ट। और जो कलेक्शन एजेंट था वो कलेक्ट करके आ रहा था 11 लाख पैसा था उनके पास। साइकिल 2 बाइक सवार अज्ञात पदाधिकारियों द्वारा इसको अंजाम दिया गया था। इसका उद्भेदन कर लिया गया है और इसमें 3 लोगों का अरेस्टिंग हो चुका है। इसमें अजय कुमार यादव, राहुल कुमार बिट्टू कुमार, विकास कुमार पासवान, 3 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है और उनके बरामद भी है कि नगद में 40,700 रुपये हैं और एक मोबाइल जो नया खरीदा है उसी लूटे हुए पैसा से और 2 देसी कट्टा है, 2 पीस जिंदा कारतूस है और जो मोटरसाइकिल यूज़ किया गया था लूटने में दोनों मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया है और जो ये लोग मोबाइल यूज़ किए थे उस दिन घटना करने के लिए उसको भी बरामद कर लिया गया है। और एक विकास कुमार पासवान जो है इसने इसको जो हिस्सा का पैसा मिला था उसका इन्होंने कार खरीद के अभी दलबाग में इन्होंने रिपेयरिंग के लिए दिया है, उसको भी हम जल्द से जल्द सीज कर लेंगे। और बाकी कुछ नाम आया है उन लोगों को उत्तर कहा जाएगा कि हम लोगों के ऊपर चाकूमारी चल रहा है, जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करेंगे। ये किसका गिरोह का एक मुर्गा किसका था सर? ये बिट्टू कुमार है, इसी का गिरोह है, नया है। कितने लोग शामिल थे घटना इसमें गुप्त रखा जा रहा है कि अभी 2-3 गिरफ्तारी किया है, बाकी हमने उनको जैसे जैसे। सनमार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।